हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास। यह वीडियो उनके लिए है जो बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो ये हम प्राचीन इतिहास को हम लोग कहानी के माध्यम से उनको समझा देंगे। यह खान सर के नोट्स से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो बिना कुछ देर किए हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस इतिहास के जनक होंगे, आपको शायद पता होगा। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। कुछ टॉपिक हो गया बेसिक। और हम लोग जानेंगे कि इतिहास को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, एक प्रागैतिक ऐतिहासिक, दूसरा हो गया आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हम लोग पाषाण काल पढ़ेंगे। पाषाण काल के आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें चार भाग होते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल, और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं। वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से ही मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल क्या है? स्टोन एज। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। जब मानव पत्थर के हथियार का उपयोग करते थे, उसी को वो पाषाण काल कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंगम है। भारत का पुरातत्व संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉम्स ने किया था, और लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया था। यानी कि जो धातु मिला उसका तो नामकरण क्रिश्चियन थॉम्स ने किया, और जो लिखावट था तो उसके आधार पर नाम जॉन ब्रूस ने किया था। अब हम लोग पाषाण काल को चार भागों में बांटते हैं। जैसा कि हम आपको बताएं, पूरा पाषाण काल या 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक रहा है। यह सबसे लंबा समय तक ले रहा है। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खानाबदोश अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। यानी पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो चुकी थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना भी प्रारंभ कर दिए थे। भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं। भीमबेटका के गुफा में चित्रकार अपना जो चित्र बनाए थे वो देखने को मिलते हैं। भीमबेटका के गुफाएं मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज में स्थित है। मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज में स्थित है। अब हम लोग मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक चला। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने 1867 ईस्वी में दिया। यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथिक कहते हैं। यानी कि इस समय मानव के हथियार बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए इसे वो माइक्रोलिथिक युग कहते हैं। इस समय मानव के सबसे मुख्य कार्य अंत्येष्टि कार्यक्रम था। अंत्येष्टि कार्यक्रम क्या होता है? आपका हिंदू धर्म के 16 संस्कार होते हैं, जिसमें लास्ट जो अंतिम संस्कार है ना, उसी को अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। यानी कि जो मर जाते हैं उनका कार्यक्रम अंत्येष्टि संस्कार के अंतर्गत आता है।
इसी काल में मानव के अस्थि बंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नहर तथा महदाहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। इसका मतलब कंकाल होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नौ पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। नौ पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक रहा। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुगाक ने 1865 ईस्वी में किया, प्रस्तुत किया। यहाँ पे आप ध्यान दिए होंगे कि ये नौ पाषाण काल 1865 ईस्वी में हुआ, जबकि मध्य पाषाण काल 1867 ईस्वी में खोज हुआ। यहाँ पे उस समय के खोजकर्ता जिधर से कोई भी चीज खोज हुई वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखकर ऐसे ही इन्हें इधर उधर लिख दिए। इस काल में मानव ने अस्थाई आवेश बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी कर प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका की खोज की। मनका अनका को घरा कहते हैं हम लोग। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकलु नामक नौ पाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बागौर में प्राप्त हुआ है। आदमगढ़ एमपी में है मध्य प्रदेश, और बागौर राजस्थान में स्थित है। अब हम लोग कुछ स्थान के बारे में जानेंगे जहां से पुरातत्व का साक्ष्य मिला हुआ है। सबसे पहले मेहरगढ़। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूं मिली थी। दूसरा है बुर्जहोम। यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तवास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला, यानी कि मालिक के साथ कुत्ते को भी, अगर मालिक मर गया तो कुत्ते को भी उसी के साथ दफना दिया जाता था। यहाँ बुर्जहोम से मिला है। गुफक्राल, यहाँ से मृत भांड का प्रमाण प्राप्त हुआ है। उसके बाद कोल्डिहवा, यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व में मिला है। चिरांद, यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। लेहुरा देह, यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुए हैं। दमदमा, यहाँ एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल मिले हैं। दमदमा से यह क्वेश्चन बहुत बार ही पूछ चुका है। साथ है अब मानव द्वारा पाला गया पहला पशु, आप लोग कमेंट में लिखकर बताइएगा। ताम्र प्रशांत काल, यह पाषाण काल का अंतिम समय था। अच्छा दोस्तों, ताम्र प्रशांत काल का नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि इस काल में तांबे की खोज हो चुकी थी, इसीलिए इसे ताम्र प्रशांत काल कहते हैं। इस समय तांबे की खोज हुई थी जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकीकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल है, जिसकी उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा है, और इसके आगे का वीडियो हम लोग आपको इसके बाद क्विज का वीडियो डालेंगे, उसके बाद हम लोग सिंधु सभ्यता का वीडियो डालेंगे, तो आप देखना ना भूलें। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझे होंगे। धन्यवाद।